कुछ क्वेश्चन मैं डालता हूँ, अब कुछ क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाता हूँ प्रत्येक दिन ऑनलाइन संध्या के समय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कराता हूँ, उसी क्वेश्चन में कुछ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते रहिएगा आप लोग, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? लेकिन बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी क्या कहा जाता है? मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसो कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलती है। कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलती है। तिब्बत चीन से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी का यह मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है कोसी नदी। एक क्वेश्चन है तेल्हारा जलप्रपात कहाँ पर है? प्रपात बोलिए जी, कोई आदमी को याद है तेल्हारा जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में, याद है क्या? तेल्हारा जलप्रपात कैमूर। क्वेश्चन पूछा है, लगता है कि दरवाक में यह क्वेश्चन उठाया गया है, तेल्हारा जलप्रपात। एक है कांवर झील के विषय में जान लीजिए, लिखते रहेगा कांवर झील है आपको मुंगेर में। तो बिहार का तो कौन नदी कहते हैं? कोसी नदी को। तेल्हारा जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। और कांवर झील कहाँ है? मुंगेर में। तो कांवर झील के विषय में आपको देश में सबसे अधिक सोना का भंडार कहाँ है? देखिए, विश्व में सोना कहाँ कहाँ मिलता है पहले समझिए, इसके बाद देश में भी क्वेश्चन था कि बीपीएससी क्वेश्चन उठाया था कि बिहार में सोना का भंडार कहाँ मिले है। तो मुंगेर के करपटिया में भी सोना का भंडार मिले है, साक्ष मिले हैं, रोहतास में भी। तो भारत में सोने का भंडार कहाँ है? जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सोने का अपार भंडार है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सोने का अपार भंडार है। इसके बाद देखिए कुलगाड़ी और कालगुड़ी कहाँ है जगह जी? कोई आदमी बोले तो कुलगाड़ी और कालगुड़ी कहाँ जगह है प्रियंका भारती? कुलगाड़ी और कालगुड़ी कहाँ जगह है? यह ऑस्ट्रेलिया में, ये सब याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर किसके भंडार मिले हैं? सोने के भंडार मिले हैं। और कर्नाटक की कोलार एवं हुट्टी में सोने के खान हैं। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में सोने का भंडार है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सोने का भंडार कहाँ है? भारत में सोने का भंडार कर्नाटक के कोलार और हुट्टी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला और बिहार के मुंगेर और कटपटिया में। बिहार के मुंगेर के कटपटिया में सोने का साक्ष मिला है। बिहार के मुंगेर के कटपटिया में सोने का साक्ष मिला। लिखते रहेगा आराम से, सोने का साक्ष मिला है। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? कोई आदमी बिहार में सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? बोले ना जी, कोई लिखिए। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। लिखिए, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो सिल्क सिटी कहा जाता है देखिए, भागलपुर की याद हुआ तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल। देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अब पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? धर्मपाल। तब वास्तविक संस्थापक धर्मपाल था, उसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्राचीन काल में भारत में तीन गो विश्वविद्यालय, चार गो कहे ना, आते में से तीन गो था बिहार में। बिहार में कौन कौन था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल, याद रखिएगा, गोपाल। वेरी गुड, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त। और विक्रमशिला की स्थापना किया था धर्मपाल। और अभी है तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना किया गया था अज्ञात द्वारा। क्वेश्चन कभी पूछता है तक्षशिला कहाँ पर है, तब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। लिखिए तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में है? रावलपिंडी जिले में, याद रखिएगा, रावलपिंडी जिले में है। अच्छा, भारत में थोरियम का सबसे भंडार कहाँ अधिक है? किस राज्य में भारत में थोरियम का भंडार सबसे अधिक? भारत में थोरियम का भंडार, बोलिए, थोरियम का भंडार किस राज्य में है? भारत में थोरियम का भंडार केरल, लिख लीजिए, केरल में, ठीक है, केरल। भारत में थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल में है, इसको दिमाग में रखिएगा। भारत में थोरियम का भंडार आपको केरल में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? ये बीपीसी का क्वेश्चन है 67वीं का। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो तीन सत्र होते हैं। लोकसभा में समानता क्या होता है? ग्रीष्मकालीन सत्र। लोकसभा में समानता तीन सत्र होते हैं। बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन। बजट सत्र, मानसून कालीन सत्र,
मानसून का आदेश सात है और शीत ऋतु सात, शरद ऋतु सात, शीत आपको तीसरा है, आपको शीतकालीन सात, शीतकालीन सात, शीतकालीन सात, तीन को सत्र होता है। आज जानते हैं बजट की चर्चा भारतीय संविधान में, बजट की चर्चा लिखते रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बजट की चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 112। अब बजट का अर्थ होता है चमड़ी का थैला, देखते हैं बजट अगर वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है तो अपने साथ क्या लाती है, चमड़े का थैला, चमड़े के थैला में लैपटॉप रखकर। अब बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। अब बजट का उल्लेख कौन कौन है, आर्टिकल, आर्टिकल आपको 112 में है। अच्छा आर्टिकल 83 बोले था, आर्टिकल 83 किसकी चर्चा है, कोई याद नहीं, आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 83 में चर्चा है लोकसभा के कार्यकाल, उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होगा, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से, उसकी पहली बैठक से, बैठक से 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ये कौन है, आर्टिकल 83 कहता है। देखते हैं लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है कब से, जब पहली बैठक होता है ना उससे 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, कार्यकाल उसकी पहली बैठक से, उसकी पहली बैठक से, पहली बैठक से, बैठक से 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। किसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 राज्यपाल का अधिकार है, विधानसभा राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है विधानसभा भंग करने का, विधानसभा भंग करने का राज्यपाल का अधिकार है, विधानसभा भंग करने का। आर्टिकल कितना में चर्चा है, 174 में चर्चा है, 174 में चर्चा है। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल कितना, 356 आपको चर्चा किए, आपको हम क्या बताए, आपको बताए हम आर्टिकल 83 लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक का 5 वर्ष होगा। यह बात की चर्चा कौन में, आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 173 विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक का 5 वर्ष होगा। आर्टिकल 174 राज्यपाल का अधिकार है कि विधानसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन का रिकमेंड कौन करता है, राज्यपाल। अगर मानकर चलिए राज्यपाल राष्ट्रपति शासन का रिकमेंड नहीं करे तो क्या वैसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है, तो हाँ प्रिंट मीडिया अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिल जाए और उस राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मान के बिहार में किसकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है,
यहाँ के रोड का चोरी होने लगे, डकैती होने लगे, मर्डर होने लगे, लूटपाट होने लगे, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, विपक्षी दल तेजस्वी यादव खूब हल्ला करे कि राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिल गया। लेकिन इस बात की चर्चा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जोर से होने लगे कि बिहार के नीतीश कुमार और राज्यपाल की मिलीभगत हो गया, लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति को यह बात की पूर्णतः विश्वास हो जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर बिहार में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या किसी भी राज्य में, तो वैसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बात समझे ना? और उस राज्य में क्या है आर्टिकल 356 मालूम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 पर उन्हें क्या बोला था जानते हैं? यह सिर्फ संविधान के पन्नों तक सीमित रह जाएगी, इसका प्रयोग धड़ल्ले से नहीं किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होने लगा। पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार थी केरल में, पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। किस राज्य में? तो केरल में। क्वेश्चन पूछता है केरल में किसकी सरकार थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी के। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? नमुद्री पाद। और केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस के। बिना कारण बताए हुए केरल में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो आपसे क्वेश्चन, लंबा अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लगा सकते हैं लगातार, इसके बाद फिर बढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक, अधिकतम कितना साल तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। ये भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला आइए, ये सब चीज जानते थे जी? बोले तो ये सब जानते थे जी? रितुआ, ये सब बात तो पढ़ाए हैं तो जानती थी जी? सर जानती थी कि अधिकतम 3 वर्ष के लगेगा, पहली बार केरल में राष्ट्र गैर कांग्रेसी सरकार में केरल में हुआ, ये सब जानती थी? तो हमको नहीं लगता है जानती होगी। तो फिर आगे लिखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, 1946 में गठित 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल जब 1946 में गठित हुआ था तो उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन था? देखिए, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री सब पूछता है कोई था? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। रेलवे मंत्री आसफ अली, रेलवे मंत्री थे आसफ अली, कौन अली? आसफ अली, रेलवे मंत्री था आसफ अली। श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री था जगजीवन राम, लिख लेना ये सब जी, जगजीवन राम, श्रम मंत्री था जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री था आपको गजाफर अली खान। कौन मंत्री था? स्वास्थ्य मंत्री था गजाफर अली खान। विधि मंत्री दुर्गेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री था
जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री सर जोगेंद्र नाथ मंडल, कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष, विदेश विभाग राष्ट्रमंडल विदेश विभाग राष्ट्रमंडल, पंडित नेहरू के पास था, इसके पास था पंडित नेहरू के पास था। संचार मंत्री था अब्दुल रब नस्तर, संचार मंत्री था अब्दुल नब नस्तर, अब्दुल नब नस्तर संचार मंत्री। देखिए 1946 में गठित मंत्रिमंडल में 1946 में गठित मंत्रिमंडल में कौन कौन था? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेलवे मंत्री आसफ अली, सब याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। सर्व मंत्री जगजीवन राम, जगजीवन राम की बेटी के नाम क्या? मीरा कुमार। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, और जगजीवन राम को लोग बाबूजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? बाबूजी। स्वास्थ्य मंत्री थे गजानन अली खान, विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल पंडित नेहरू, और संचार मंत्री कौन था? अब्दुल नव नस्तर है, रट लीजिएगा इसको, अब्दुल नव नस्तर इसको रट लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन और पढ़िए तो करंट अफेयर्स में आएंगे। अगला क्वेश्चन, कितना बढ़िया से क्वेश्चन बताए आपको, ये सब क्वेश्चन जानना निहायत जरूरी है, बात समझे। भारत के संविधान बनाने में दो वर्ष ग्यारह महीना अठारह दिन लगे। संविधान सभा में बहस कितना दिन हुआ? 114 दिन हुआ संविधान सभा में बहस। कितना देश के संविधान का अवलोकन किया गया? 60 देश के, 64 लाख रुपया खर्च हुआ। देखिए संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, संविधान सभा में 114 दिन बहस हुआ, और 60 देश के संविधान का अवलोकन हुआ, और 64 लाख रुपया खर्च हुआ, तब भारत के संविधान बना। याद रखिएगा भारत के संविधान कब बना? तब भारत के संविधान बना, नहीं तो भारत के संविधान नहीं बनता। इस बात को दिमाग में आपको रखना है कि भारत के संविधान कब बना, क्या बना, इसके विषय में। ठीक है, थैंक यू। 64 लाख रुपया, 60 देश के संविधान का अवलोकन किया गया, संविधान सभा द्वारा 114 दिन बहस हुआ, और दो वर्ष ग्यारह महीने अठारह दिन लगे। क्लास का 25-30 मिनट का थोड़ा सा क्लास चल ही रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने का प्रयास किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे यहाँ रेलवे SSC टीचर, BPSC, GK GS मैथ रीडिंग की पढ़ाई होती है। जो लड़के एडमिशन करना चाहें 9931467817 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।